आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पांवटा के राजवन में माल ढुलाई को लेकर विवाद, धारा 144 लागू। बेदखली को लेकर किसान सभा उग्र, शिमला में प्रदर्शन। बस सेवा के लिए ढली चौक पर चक्का जाम। TMPA का परीक्षा परिणाम घोषित, HRTC को मिले 1235 कंडक्टर। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में BTech, MTech, B Pharma, D Pharma, M Pharma के साथ साथ BSc, MCA, MSc, BBA और MBA के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब क्षेत्र के राजवन में भारत सरकार के उपक्रम CCI उद्योग में माल ढुलाई को लेकर चल रहे विवाद के कारण जिलाधीश सिरमौर ललित जैन ने धारा 144 लगा दी है। इस कारण राजवन फैक्ट्री के आसपास पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री से ट्राला में सीमेंट लोड करवाया जा रहा है। इससे पहले राजवन CCI उद्योग में माल ढुलाई का टेंडर इस बार मल्टी एक्सल ट्राला सोसाइटी पांवटा को मिला था, जिसके बाद सिरमौर ट्रक यूनियन ने इसका विरोध कर 16 अप्रैल से माल ढुलाई रुकवा दी थी। किसानों की जमीनों से बेदखली को लेकर किसान सभा उग्र हो उठी है। सभा ने जिलाधीश कार्यालय के समीप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान सभा के सदस्य संजय चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। संजय चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पैमाइश के पेड़ों का कटान हो रहा है, जिससे गरीब किसान की हालत बद से बदतर हो गई है। यही नहीं, जिन किसानों को नोतोड़ जमीन मिली है उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा है। बिना नोटिस बागीचों से पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह न्यायालय में अपील करे तथा गरीब किसानों को जमीन मुहैया करवाए। ये सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय को वापस ला रहे। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट ये आदेश दिया है कि जो 10 बीघा तक जो जमीन है जिसमें 5 बीघा इंक्रोचमेंट है उसको छोड़ा जाना चाहिए। और इन 3 केसेस में आप देखिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं जुब्बल में जाकर, इनके बिल्कुल इनको बर्बाद कर दिया गया है इस हाईकोर्ट के आड़ में। तो ये कमजोरी है, सरकार को जो है तुरंत हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करना चाहिए कि हम जो है गरीब किसान को जो है जमीन देने के लिए है। कुसुमपट्टी के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली लोकल बस सेवा के बंद होने के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और ढली चौक पर चक्का जाम किया। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय विधायक अनिरुद्ध भी मौजूद रहे। 5 मई को कुसुमपट्टी के ग्रामीणों ने निगम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर बस सेवा शुरू करवाने की मांग उठाई थी। कांग्रेस कमेटी कुसुमपट्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र कंवर ने कहा कि पुराने बस स्टैंड, लक्कड़ बाजार व ऑकलैंड टनल से कुसुमपट्टी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों को बसें चलती हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से यह बस सेवा ठप पड़ी हुई है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं, कृषक व कर्मचारी वर्ग को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉक की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है ट्रांसपोर्ट विभाग के खिलाफ, क्योंकि पिछले 15 दिन में इन्होंने हमारे 22 रूट जो है कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण रूट है वो बंद कर दिया है। और बहाना जो है वो जब भी कोई जाए तो कंडक्टरों का लगाता है कि कंडक्टर स्ट्राइक पे हैं। तो इसी के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन जो है इसी के पक्ष में किया गया। परिचालकों की कमी से जूझ रहे परिवर्तन निगम को 1235 नए परिचालक मिल गए हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में आयोजित TMPA भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा पिछले 17 सितंबर को आयोजित की गई थी। कोर्ट के आदेशों के बाद अब HRTC ने इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच 25 से 29 मई के बीच की जाएगी। इसके लिए निगम ने शेड्यूल तैयार कर दिया है। इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी व आवश्यक दस्तावेजों की जांच के लिए तैयार शेड्यूल HRTC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
नगरोटा सूर्या में सिलेंडर फटने से जो लोग घायल हुए थे उनमें से दो लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि तीन की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। बीआरओ ने छोटे वाहनों के लिए रोहतांग दर्रा गुरुवार को बहाल कर दिया है। आवाजाही शुरू होते ही लोगों ने भी राहत की सांस ली है। प्रशासन ने गुरुवार को पहले लाहौल की तरफ से गाड़ियों को मनाली की तरफ भेजा, दोपहर बाद मनाली की तरफ से केलांग की तरफ छोड़ी गाड़ियों का काफिला लाहौल पहुंचा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार से एचआरटीसी बस सेवा भी दर्रे पर बहाल हो जाएगी। और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री एनआर ठाकुर ने कहा कि 13 मई को कांगड़ा जिला के फतेहपुर में एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक एनजीओ फेडरेशन 116 ब्लॉक यूनिट व 86 विभागीय एसोसिएशन के चुनाव करवा चुका है, जबकि शिमला, कांगड़ा व किन्नौर जिलों के चुनाव एक सप्ताह के भीतर करवाए जाएंगे। सोलन व कंडाघाट क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। एक घंटे में करीब 4 करोड़ रुपए का टमाटर व शिमला मिर्च नष्ट हुए हैं। करीब 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की फसल 60% तक तबाह हो चुकी है। जानकारी के अनुसार सोलन जिला पूरे प्रदेश में टमाटर उत्पादन में अग्रणी जिला है। जिला के 4414 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों द्वारा इन दिनों टमाटर की फसल लगाई गई है। टमाटर की पैदावार प्रभावित होने की वजह से किसानों को काफी अधिक नुकसान हुआ है। बागवानी विभाग के अनुसार जिला शिमला में 18 करोड़ की चपत लग चुकी है। कुल्लू में बागवानी को 40% और अन्य नकदी फसलों को 70-80% के नुकसान का आकलन लगाया गया है। बागवानी विभाग के अनुसार जिला शिमला में 18 करोड़ की चपत लग चुकी है। कुल्लू में बागवानी को 40% और अन्य नकदी फसलों को 70-80% के नुकसान का आकलन लगाया गया है। चंबा में भी कृषि व बागवानी को 60 लाख की चपत लगी है, जिससे किसान निराश हैं। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सेब की फसल बर्बाद हुई है, जिसके चलते राज्य में इस वर्ष बीते साल के मुकाबले 30% उत्पादन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेरा नाम देशराज है। दो दिन से कुल्लू का मौसम बहुत खराब रहा, तो इस कारण से मतलब भारी ओलावृष्टि हुई, तो इसी कारण हमारा सेब की फसल बहुत ही खराब हो गई है, और साथ में पलम, नाशपाती वैसी ऐसी फसलें को भारी नुकसान हुआ है। जो अभी ये ओलावृष्टि हुई है, इससे किसानों की जो फसल है खास करके टमाटर और शिमला मिर्च बिल्कुल तबाह हो गया है। जो अभी हाल में ओलावृष्टि हुई है, तूफान आया है और तेज बारिश हुई है, उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों को जो है वो भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से जो है सेब, मटर, टमाटर और जो दूसरे फल और सब्जियां हैं उनसे जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान जो है प्रदेश के बागवानों और किसानों को हुआ है। वहीं ओलावृष्टि से कांगड़ा जिला भी अछूता नहीं रहा। खेतों में काटी गई गेहूं सड़ने के कगार पर पहुंच गई है। मैं को 12 कनाली के कारण कबाई होगी, तो बढ़िया भारी बरखा हुई हमारी, जा कने सारी काली फिर गई, कने दाने भी पोले पे ये। कांगड़ा के किसान प्रेमचंद ने बताया कि लगभग 12 कनाल में लगाई गई गेहूं की फसल ओलावृष्टि व बारिश से पूरी तरह से खराब हो गई है। सोलन से भूपेंद्र ठाकुर, शिमला से टेकचंद वर्मा, कुल्लू से आशीष शर्मा और मटोर कांगड़ा से सुमित सैनी की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्षों से छात्रों का भविष्य संवार रहा जेएस विजडम वर्ल्ड स्कूल ऊना में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। जेएस विजडम स्कूल बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाता है। सेशन 2018-19 की एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। न्यूज बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। और अब चलते चलते BDTS ने बढ़ाया 7% माल भाड़ा, हड़ताल खत्म। कल से फिर करवट बदलेगा मौसम, 14 से भारी बारिश की चेतावनी। रेणुकाजी में एकल विद्यालय शिविर में पहुंची 14 लड़कियां बीमार। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं शेर सिंह की आवाज में यह चंबियाली लोकगीत। सुन मेरी ए नणा नैनी गड़वा पानी दे विच तरिया, सुन मेरी ए नणा नैनी गड़वा पानी दे विच तरिया।
सुन मेरी नणा ने नी गड़वा पानी दे विच तरिया, सुन मेरी नणा ने नी गड़वा पानी दे विच तरिया। मैं जाख्या मोचड़ू लियाई दे, 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 पैर कटण नू कहंदा सुन मेरी नणा ने नी गड़वा पानी दे विच तरिया, सुन मेरी नणा ने नी गड़वा पानी दे विच तरिया। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।